यूनिप्रो टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आप सभी से आग्रह करता है कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बिना मास्क घर से बाहर ना जाएं। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मजदूरों व कामगारों का पलायन नहीं रुक रहा। रोजगार बंद होने के चलते कई राज्यों से लोग पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे ही कुछ लोग आज डमटाल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखे गए, जो कि लगभग 6-7 दिन से विभिन्न जगहों से पैदल घर के लिए निकल पड़े थे। आज डमटाल के साथ लगते राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे मेरठ, दिल्ली, अन्य जगहों से लगभग 6-7 दिनों से पैदल चल रहे हैं और 2-3 दिन तक जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में अपने घरों तक पहुंचेंगे। जिला कांगड़ा की सीमावर्ती क्षेत्र भद्रोआ चक्की पुल पर पहुंचने पर इन्हें स्वामी जगतगिरी आश्रम की तरफ से खाना खिलाया गया। इसके बाद ये पंजाब की सीमा की तरफ चले गए। अब तो कहां से आए? नगर से। अब जाना कहां है आपको? जाना बसोली से। बसोली जीएनके में। जीएनके में कितने दिन हुए आपको चलते हुए? 5-6 दिन हुए। 6-7 दिन। अभी तो फिर आप पैदल ही आ रहे हैं वहां से? पैदल आ रहे हैं, कोई टारगेट मिला नहीं। 7 दिन हो गए, लगभग 2 दिन और लग जाएंगे। किसी ने रोका नहीं आपको? रोका गया, पूछते बाद से गाँव वाले जा रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं, खाने पीने के लिए बोलते बढ़ रहे थे, जाना था गाँव से गाँव गए। 5-6 दिन हो गए ट्रिप चलते हुए और खाने के लिए यहाँ पे हमने रो रखा है और यहाँ खाना खाया आश्रम में, अब जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? आए दिल्ली से। अब जाना कहाँ है आपको? जाना हमें पडुबलावरी। पडुबला कहाँ पड़ता है? जम्मू में, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। ये अब कितने दिन और लग जाएंगे आपको पहुँचते हुए? कम से कम 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। करीब सर कहाँ से आ रहे हैं आप? हम यूपी से आ रहे हैं, मेरठ से, ट्रांसपोर्ट नगर से। क्या काम करते थे आप? हम ट्रांसपोर्ट नगर से। तो अभी आप इतनी दूर कैसे पहुँचे हैं यहाँ पे? पहुँचे अभी 3-4 दिन हो गए चले हुए हमको। अब पैदल ही आए हैं? पैदल ही आए। अब जाना कहाँ है आपको? जाना हमको कठुआ जाना है। कठुआ कौन सी जगह? जिथाना गाँव। कब तक पहुँच जाएंगे आप? लग जाएंगे हमारे 1-2 दिन लग जाएंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए डमटाल से गोवर्धन शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दीक्षो शर्मा, लायंस क्लब धर्मशाला का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट और लायंस क्लब के एडमिनिस्ट्रेटर इंजीनियर एसएस बैंस हैं और हमारे क्लब के ट्रेजर भक्तराम ठाकुर जी हैं। आजकल जो महामारी कोरोना 19 वायरस जो फैल रहा है उसके बारे में मेरा यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें लोग, जो जो भी इसकी प्रिकॉशंस हैं उसको लें, क्योंकि क्योर की ज़रूरत नहीं है, क्योर है नहीं और प्रिकॉशंस ही इसका क्योर है। मास्क के बगैर घर से बाहर ना निकलें, बहुत ही अति आवश्यक है। मास्क को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें और सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर जाएं तो ये भी हमें एक अपनी आदत बनाएं, एक लाइफ में, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐड ही कर लें ये चीज़ें कि सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क पहनें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों को धोएं। बाहर निकलते हैं तो सैनिटाइज़र साथ रखें, गाड़ी में सैनिटाइज़र साथ रखें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। घर में हैं तो साबुन भी अच्छी चीज़ है, कह रहे हैं कि सैनिटाइज़र से अच्छी है, तो साबुन के साथ 20 सेकेंड अपने हाथ धोएं। ये मेरा सबको संदेश है, धन्यवाद। मैं प्रोफेसर आरती चोपड़ा, राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला से प्राचार्य के पद से रिटायर हुआ हूँ और रिटायरमेंट के बाद एनजीओ ज्वाइन, बहुत सारे एनजीओ में काम कर रहा हूँ, लायंस क्लब में, जन चेतना में, वार मेमोरियल काउंसिल में और भी कई संस्था हैं। मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो कोरोना महामारी फैली है और प्रशासन के और जन सहयोग से जिसपे हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, इसके बारे में हम ध्यान रखें। सरकार जो एडवाइजरी जारी करती है उसको हम फॉलो करें। प्रशासन और जनता मिलके ही किसी भी काम को कामयाब कर सकती है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, हम कोशिश करें कम से कम बाहर जाएं, दिन में कई बार हाथ धोएं जैसा कि बताया गया है, और प्रशासन के जो प्रयास हैं उनकी मैं सराहना करता हूँ। हमारे डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, इन सब का एक बहुत ही अहम रोल रहा है
और मैं ये कहना चाहूँगा सबसे कि जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड करें और उस पर जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस सरकार से मिलती रहती हैं उसको फॉलो करें, ताकि जो हम हिमाचल के खासकर जो बाहर जो लोग हैं ग्रीन और उसमें ऑरेंज जोन में आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमने काफ़ी कामयाबी की है। हम इसको और भी अच्छे ढंग से कामयाब करें और ये तभी संभव हो पाएगा अगर हम सभी प्रशासन का और सरकार का सहयोग करेंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार, दिव्य हिमाचल के दर्शकों को मेरी ओर से एक मैं छोटा सा संदेश देना चाह रही थी। आजकल सब जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस का पैंडेमिक जो है वो फैला हुआ है। आज लॉकडाउन के 32वें दिन हम देख रहे हैं कि भारत में भी केस जो हैं, पॉजिटिव केस जो हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। मगर ये हमारा सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश में अभी इसकी संख्या बहुत कम है। मेरा सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, कहीं पब्लिक प्लेस में जाए, कहीं पब्लिक जगह पे जाए मास्क जरूर पहने, भीड़ जहां पे होती है ऐसी जगहों पे जाना अगर आवश्यक न हो तो अवॉइड करें, समय समय पे अपना हाथ साबुन से जरूर धोएं, 20 सेकंड तक आप हाथ धोएंगे वो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। कोशिश करके जब आप बाहर जाएं तो कुल केवल जो जरूरी इमरजेंसी के काम है उसी के लिए जाएं। बाहर से आप जो सब्जी सामान लेकर के आते हैं वो सामान जब आप घर में लेकर आते हैं तो सब्जी को अच्छी तरह से गर्म पानी में धो लें, कोशिश करें कि 3-4 घंटे तक और हो सके तो 5-6 घंटे के बाद ही उसका इस्तेमाल करें। जहां भी आपको इस तरह की चीज नजर आती है जो कि नियमों के विरुद्ध है, प्रशासन के पास आप इस बात को जरूर बताएं। अगर आपको कोई ऐसा पता लगता है कि कोई व्यक्ति बिना जांच के कहीं बाहर से आया है वो सूचना भी आप प्रशासन को जरूर दें। प्रशासन के साथ मिलकर के और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, इनके साथ मिलकर के हमने इस वायरस को, इस पैंडेमिक को हराना है और इस जीत में आप सबकी भागीदारी जो है वो बहुत ही आवश्यक है। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश के लोग इस लड़ाई को जीतने में कामयाब होंगे और हम जो हैं इस महामारी से बाहर निकल पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।